जैन प्यारे मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कि कुछ ऐसे वैकेंसी के बारे में जो आप मेल और फीमेल अगर हैं तो आप अगस्त के ये मंथ जो चल रहा है इसमें आपको छोड़ना नहीं है, जिसमें से टॉप 6 ऐसे वैकेंसी है जो आपको हर हाल में इसको फिल करना चाहिए, भरना चाहिए। इसको अगर छोड़ दीजिएगा तो आपको सोचिए कि आप बहुत बड़ा मिस कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपका मतलब लक्ष्य है सरकारी नौकरी पाना, लक्ष्य है कि हमें कोई ना कोई ऐसा सरकारी जॉब मिल जाए, तो ये सारा चीज़ सरकारी जॉब ही है। और ये जॉब आपको अगर मिल गया तो आपकी सैलरी अच्छा खासा भी मतलब मिलने वाला है, इसमें सैलरी का भी कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी तो भैया आपको 80-85 से लेकर 56,000 से लेकर 30,000 से लेकर मतलब यहाँ से स्टार्टिंग है। कोई भी चाहता है, मिडिल फैमिली से जो भी बिलोंग करते हैं, लड़का हो या लड़की, वो चाहते हैं कि हमारा सरकारी नौकरी हो, 20-30,000, 50,000, 60,000 वाला कोई भी नौकरी मिल जाए तो हमारे लिए बहुत मतलब कि बेटर होगा, काफ़ी होगा, उतना में चल जाएगा। तो भाई साहब, ये जो 6 वैकेंसी होते हैं ना, इन सब वैकेंसियों का नई जानकारी होने से, चाहे मान लेते हैं जानकारी होता है नहीं भर पाने से या मिस्टेक से छूट जाने से, बहुत बड़ा पछतावा होता है। उसका फिजिकल हो गया, उसका रिटेन हो गया, पता चला कि पड़ोसी का हो गया, मेरा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, किसी उसको फॉर्म भर ही नहीं पाया था या उसका जानकारी ही नहीं था, तो ऐसे नहीं मतलब कि रखना है। तो देखिए, हम बात करते हैं, ध्यान में रखिएगा, मैं स्टार्ट करते हैं यहाँ से मान के चलते। वैकेंसी नंबर 1 ये है एसएससी स्टेगनोग्राफर का। सभी लोग जानते हैं कि एसएससी की जॉब अगर मिल जाए तो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। इसमें क्वालिफिकेशन 12 मांगा गया है, पोस्ट जो है ना वो मतलब 2006 है, पोस्ट इतना है, और फीस 100 रुपये लगने वाले हैं, बाकी अदर कैटेगरी का नहीं लगने वाले। जानबे करते हैं कि सरकारी नौकरी में भेदभाव चल रही है जनरल ओबीसी वाले के, सबको मालूम है भैया पैसा दो एससी एसटी वगैरह को तो भाई बहुत सारा आरक्षण छुट्टे मिल जाता है। अप्लाई डेट इसका 6/7/2024 से लेकर 17/8/2024 तक इसका अप्लाई डेट है, यानी आपके अगस्त में 17 अगस्त को इसकी लास्ट डेट होने वाली है। सैलरी अच्छा खासा मिलेंगे इसमें, अगर आपका जॉब हो गया तो 30 प्लस ही मिलेगा, 30,000 से प्लस करने मतलब 35-40 तक आपको अभव मिलेंगे, ऊपर मिलेंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं सेकेंड, ये है वैकेंसी नंबर, ये आपके झारखंड से निकल कर आए हुए हैं, झारखंड फील्ड वर्कर, ये कंपटेटिव एग्जाम के तरफ से है, और इसमें ऑल इंडिया भर सकते हैं, इसमें भी ऑल इंडिया भर सकते हैं, मेल हो या फीमेल सभी के लिए है। और इसमें तो क्वालिफिकेशन 10th मांगा गया है दोस्त, 10th पास है, लड़का हो लड़की हो भर दो, कोई दिक्कत नहीं। सैलरी देख लो अच्छा खासा है, 18,000 से स्टार्टिंग से लेकर 56,900 तक सैलरी है, सैलरी तो कहना नहीं है, सैलरी तो इसमें मतलब कि काफ़ी है भैया। 10वीं पास पर आपको इतनी सैलरी मिल रही है। उम्र होना चाहिए, उम्र आपको 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 35 तक है, बाकी छूट वगैरह सारा चीज़ मतलब उसमें इंक्लूड है। फी बात करें तो 100 रुपये लगने वाले हैं, बाकी जो अदर कैटेगरी हैं उनको 50 रुपये लगने वाले हैं। अप्लाई डेट की बात करते हैं, 1/8/2024 से स्टार्ट है और 31/8/2024 तक इसका लास्ट डेट है, यानी 31 अगस्त लास्ट डेट मान लीजिएगा, समझ में आ गया, इतना तक आपका अप्लाई कर लेना है। ये 2 वैकेंसी हो गए। बात करते हैं तीसरा वैकेंसी, ये भी देखिए झारखंड के तरफ से, और ये झारखंड के तरफ से जो वैकेंसी है ये है JPSC 1 विभाग ऑफिसर की तरफ से, ऑफिसर बड़े पद के लिए है। इसमें सैलरी बात गए कि 80,000 से ऊपर मिलेंगे भैया, ऑफिसर हैं इसमें से, ACF के अलग हैं और FRO का अलग है। इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है 21 वर्ष होनी चाहिए, इसमें भी 21 वर्ष होने चाहिए। लगेगा 600 रुपये और 150 रुपये। अप्लाई डेट है इसमें 29/7 से स्टार्ट हो गया है और इसका लास्ट डेट है ना 10 अगस्त तक है, 10 अगस्त तक इसका लास्ट डेट है, बहुत कम समय बचे हुए हैं। अगर आप इसमें नहीं भरें तो भर लीजिए, अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तो। इसका काफ़ी अच्छा सैलरी है, सैलरी इसमें मोटा है, यानी आप ऑफिसर बनिएगा, अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर भर दीजिएगा। बाकी इसके शॉर्ट नोटिफिकेशन मैं बता रहा हूँ, बाकी आपको इसका वेबसाइट पर जाके फुल नोटिफिकेशन को पढ़कर तभी फिल कीजिएगा। हम आपको जो कुछ बताएं ये सारा चीज़ इसकी वेबसाइट पर जाकर पूरा नोटिस खुद से पढ़िए, खुद भरना है, खुद नौकरी लेना है, खुद से पढ़िए, दूसरा कोई बताएगा आप बताने पर भर लीजिएगा, बाद में कहे ऐसा हमारे लिए तो ये ठीक नहीं था हमने भर दिए, ऐसा नहीं, खुद भरना है, देख लीजिए हमारे लिए बेटर कौन सा है, हमारा बताना काम है, आपको पढ़ना काम है, आपका नौकरी लेना काम है, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, ये है वैकेंसी नंबर, इसमें 2 हैं भैया, और आगे चलते इसमें
आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से, ये भी पूरे भारत के लिए हैं, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए। इसमें 10,884 पोस्ट हैं टोटल, और बढ़ सकते हैं, इसमें इंक्रीज भी हो सकते हैं, जिसमें से 20,000 से ऊपर तक जा सकते हैं, 20,000 से प्लस ही जाएंगे उसमें से। एज रिलेशन की बात करें, मतलब इसमें कितने एज मांगा गया है, इसमें कितना मतलब भर सकते हैं, 18 से लेकर 30-33 तक, बाकी आपको रिलेशन छूट वगैरह सारा चीज़ मिल जाएंगे। फिर बात करते हैं, 500 से लेकर 250 रुपये लगने वाले हैं। जनरल और ओबीसी हैं उनको 600 रुपये देने। एक खासियत बता देते हैं, रेलवे में खासियत ये है ना कि आपके जो कुछ पेमेंट लेती ना उसको बाद में रिफंड कर देते हैं, याद रखिएगा, बाद में इसको आपका रिफंड हो जाए, पैसा आपको वापस दे देता है। इसकी क्वालिफिकेशन मांगा गया है ग्रेजुएशन और 12th पास, अगर आप 12th पास हैं तब भर दीजिएगा। इसमें बाकी बताया कि अलग अलग पोस्ट के लिए हैं, अलग अलग सभी का अलग अलग है, एनटीपीसी में अलग अलग पोस्ट के लिए हैं, अलग अलग पद के लिए हैं, और सभी का सैलरी अलग अलग है, इसलिए मैं सैलरी इसमें नहीं लिखा हूँ, सबका अलग है, 20,000, 30,000 मतलब 35,000 सभी का अलग अलग है। काफ़ी इसमें से वैकेंसी बढ़ने वाले, 20,000 से ऊपर तक जा सकते हैं, अभी तो इतना चीज़ बताया गया है। ये सारा चीज़ का नोटिस है ना, नोटिफिकेशन ठीक से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। मैंने शॉर्ट ये बताएं, आपका ये डेट जो है ना वो भूलिए ना, इसका अगस्त में होने वाला है अप्लाई है, बाकी मैंने बताएं ये सभी का, किसी का टाइम 2 दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं, या फिर अगस्त में लास्ट में या शुरुआत में, ये सारा चीज़ कोई मतलब जुलाई से स्टार्ट हो गया, ये सारा चीज़ का जो वैकेंसी का अप्लाई डेट है इसको आप ध्यान में रखिएगा, छोड़ना नहीं है, अगर जॉब पाना है तो भरते रहो ना, क्या दिक्कत है। कोई कहता ना यार सब में तुम भरते हो, कभी इसमें भरते हो, कोई इसमें भरते हो, भरो, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है किसी में अगर आपका लग गया तो लग गया। सब तो आप लोग जनरली पढ़ाई होता है सबके लिए, सिलेबस तो सबका वही होता है, थोड़े यहाँ पे यूपीएससी के लिए कर रहे हैं कि भैया हमारे लिए अलग है, जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब जॉब को छोड़ना नहीं है, जरूर भर देना है, समझ में आ गया। अगर आप 10th हैं, ग्रेजुएशन है, 12th हैं, तो भरना है मेल फीमेल के लिए, खास करके मिडिल फैमिली वाले के, ये मतलब ड्रीम होता है, सपना होता है कि हमारा सरकारी नौकरी हो, तो मिस नहीं करना है, भरना है। बाकी भरिए, जुड़े रहिए मेरे साथ सरकारी नौकरी की अपडेट पाने के लिए, और हमारे चैनल के माध्यम से जो कुछ नोटिफिकेशन बताए जाएंगे वो आपके लिए लाभदायक होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।